वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, वजीर आजम आज सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम की ख्वाहिश है ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात बेहतर हों। कल नून लीग की तनकीद देख कर हैरत हुई है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं आपको मजदूरों की बात नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि मजदूर की बात करके वजीर आजम ने क्या साबित किया। वजीर आजम अशराफिया की बजाय मजदूर तबके के साथ हैं। ज्यादती की शिकार खातून मदद के लिए सिफारत खाने पहुंची। सिफारत खाने में मौजूद एक शख्स ने खातून को पुलिस के हवाले करने का कहा। खातून डर कर उसी घर वापस चली गई जहां उससे ज्यादती हुई थी। क्या ऐसे सिफारत खानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि ऐसे वाकयात पर वजीर आजम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सिफारत खाने के हमले के खिलाफ तहकीकत जारी है। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे। NA 249 कराची में हर वोट टेम्पर्ड हुआ। एक बड़ी खबर हमारे सहाफियों के लिए मैं आज देना ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह काबीना ने कल रात को जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ा लैंडमार्क कानून है जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए खसूसन और स्पेशली जो हमारे कैमरामैन दोस्त खड़े हैं इनके लिए अब ये कानून है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जब भी इनको किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जैसे को धरना कवर करने भेजते हैं करते हैं तो पूरी वो बाउंड है इनको उस कानून के तहत सेफ्टी इक्विपमेंट देने के। और अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है और मालकान जो हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा उस नुकसान का। दूसरा ये कि सहाफ़ियों को सोर्स प्रोटेक्शन दी गई है कि कोई भी सहाफ़ी है उससे ये नहीं पूछा जा सकता कि उसका सोर्स कौन है। पहले कानून में नहीं था, अब उसको कानून में डाल दिया गया है। इसके साथ साथ एक पूरा नया जो इदारा कायम किया जा रहा है जो सहाफ़ियों की कंप्लेंट्स को देखेगा और उसको जो है वो हल करेगा। तो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक बड़ी सहाफ़ियों के लिए एक लैंडमार्क है पाकिस्तान के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार है। अमवात और नए केसेस में इजाफा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 140 अमवात हुई। मुल्क भर में कोरोना से जांबहक अफराद की तादाद 18,670 हो गई है जबकि 24 घंटे में कोरोना के मजीद 4,298 केसेज रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान 44,846 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 8,50,131 हो गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.58% रही। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 83,699 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुजश्ता 24 घंटों के दौरान 4,298 नए केसेज रिपोर्ट हुए जिसके बाद मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेज की तादाद का बताएं तो कुल तादाद 8,50,131 हो गई। पंजाब में 3,14,517, सिंध में 2,79,646, खैबर पख्तूनख्वा में 1,22,520, बलूचिस्तान में 23,016, गिलगित बल्तिस्तान का रुख करें तो गिलगित बल्तिस्तान में 5,358, इस्लामाबाद में 70,414 जबकि आजाद कश्मीर में 17,660 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,21,01,832 अफराद के टेस्ट किए गए। गुजशत 24 घंटों के दौरान 44,846 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,47,755 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं जबकि 5,170 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पाकिस्तान से कोरोना में एक दिन में 140 अफराद जांबहक हुए जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 18,670 हो गई। पंजाब में 8,891, सिंध में 4,698, खैबर पख्तूनख्वा में 3,537, इस्लामाबाद में 702, बलूचिस्तान में 243, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आजाद कश्मीर में 499 मरीज जान से हाथ धो बैठे। सिंध की बात करें तो सिंध में आज और कल कारोबार खुलेगा जबकि सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन इतवार को नाफिज होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते और इतवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई है। अपडेट करें आपको, कराची समेत सिंध के शहरियों को लॉकडाउन में एक दिन की छूट मिल गई। सिंध हुकूमत ने हफ्ते को भी ईद की खरीदारी की इजाजत दे दी। सूबे में लॉकडाउन इतवार से शुरू होगा।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ईद पर परदेसियों के लिए लॉकडाउन के दौरान हफ्ते और इतवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे दी गई। पंजाब में 8, 9, 15 और 16 मई को पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% सवारियों के साथ चलेगी। पंजाब में ईद और चांद रात के लिए SOPs भी तैयार कर लिए गए। चांद रात पर बाजार बंद, मेहंदी, चूड़ियों और कपड़ों के तमाम स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी लॉकडाउन के दौरान सियाहती मकामात मुकम्मल बंद रहेंगे। कार्गो ट्रैफिक और कारोबारी तरसील खुली रहेगी। बलूचिस्तान में चांद रात पर बाजार, ज्वेलरी, मेहंदी और कपड़ों की दुकानें भी बंद रहेंगी। बैनुल सुबाई और शहर के अंदर चलने वाली तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। बैनुल सुबाई ट्रांसपोर्ट बंद होने में 2 दिन बाकी, जबकि ट्रांसपोर्टरों ने अपने घरों में ईद मनाने वाले मुसाफिरों से 2 गुना ज्यादा किराया वसूल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुसाफिर शदीद परेशानी में मुबतला हैं। इसी हवाले से वजीर जान लेते हैं नुमाइंदे रोज न्यूज कराची इम्तियाज जाखरानी से। जी इम्तियाज, तमाम तर तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने के अहकाम जारी किए गए, 8 तारीख से जो है तमाम जो है ट्रांसपोर्ट वो बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ लास्ट जो है दिन बाकी है और जो है मुसाफिर मारे मारे फिर रहे हैं, उनको जो है वो कहीं पर किराया महंगा मिल रहा है तो कहीं पर जो है वो उनको सीट नहीं मिल पा रही। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो उनकी जानब देखा जाए तो वो भी SOPs पे अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसके साथ साथ ना ही सैनिटाइजर का यूज़ हो रहा है, ना ही यहाँ पे मास्क की जो है वो पाबंदी की जा रही है। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था जिसके तहत 8 तारीख से मुकम्मल ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद की जाएगी और जो है वो उनके बंदोबस्त के लिए भी टूल प्लाजा के मकाम पर जो कराची टूल प्लाजा है वहाँ पर कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। तो जब 8 तारीख के बाद कोई भी जो है वो ट्रांसपोर्ट यहाँ से नहीं चल पाएगी और जो भी मुसाफिर जाने वाले हैं वो 8 तारीख से पहले अपने अपने घरों की तरफ रवाना दवा नजर आ रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी में जो शहरी हैं, जो मुसाफिर हैं, वो परेशानी में मुबतला हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टर हैं जहाँ पे 1000 रुपये किराया था तो वहाँ पे 2000 रुपये किराया जो है वसूल किया जा रहा है। मुसाफिर जो है वो अपने आबाई गाँव के जाने के लिए जो है वो परेशानी में मुबतला है। मुसाफिरों से जब हमारी बात हुई उनका कहना था कि एक तो जो है वो उनको सीट नहीं मिल पा रही, अगर कहीं पे मिल रही है तो महंगे दामों मिल रही है। उनका गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जब तक ट्रांसपोर्ट खुला हुआ है तो गवर्नमेंट जो है इन अनासरों के खिलाफ जो है वो एक्शन ले, जो भारी किराया वसूल कर रहे हैं ताकि वो अपनों के साथ जाके ईद मनाए। जी, पाकिस्तान रेलवे का ईद पर 10 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया। रेलवे इंतजामिया ने स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। 7 से 10 बजे तक लाहौर और कराची से रोजाना रात 8 बजे स्पेशल ट्रेन चलेगी। 11 मई को रात 8 बजे कराची से रावलपिंडी के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। आर्मी चीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। DGISPR का बताना है बाहमी दिलचस्पी की मूल खत्ते की सिक्योरिटी सूरतहाल पर गुफ्तगू हुई। अफगान आम अमल पर भी बातचीत की गई। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में तआवुन पर गुफ्तगू की गई है। आर्मी चीफ का कहना है पाक सऊदी अरब और दोनों मुकदस मकामात के तहफ्फुज़ का अज़्म रखता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि दोतरफा ताल्लुकात की बुनियाद भाईचारा बाहमी एतमाद है। मुस्लिम उम्मा की बेहतरी के लिए दोनों ममालिक किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के मूल खत्ते की सिक्योरिटी सूरतहाल पर गुफ्तगू हुई। DGISPR का बताना है कि अफगान आम अमल पर भी बातचीत की गई। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में तआवुन पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाक सऊदी अरब और दोनों मुकदस मकामात के तहफ्फुज़ का आज़्म रखता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि दोतरफा ताल्लुकात की बुनियाद भाईचारा बाहमी एतमाद है। मुस्लिम उम्मा की बेहतरी के लिए दोनों ममालिक किरदार अदा करते रहेंगे। तर्जमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक पंजाब कोरोना के मजीद 1995 कोरोना केसेज रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सूबे में कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 3,14,517 हो गई है।
अपडेट करते चलें कि लाहौर में 996, शेखुपुरा में 32, रावलपिंडी में 111 और गुजरावाला में 38, सियालकोट में 28, गुजरात में 21, मुल्तान में 170, फैसलाबाद में 99, टोबा टेक्सिंग में 42, जो झंग है उसमें 29, रहीम यार खान में 82, सरगोधा में 108, भावलपुर में 34, साहिवाल में 28, पाकपतन में 4, औकाड़ा में 6 केसेस सामने आए। लाहौर में कोरोना से मजीद 37 अफराद जांबाज हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 3649 हो गई। पंजाब में मजीद 82 अफराद जांबाज, जिसके बाद सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 8891 हो गई। हैदराबाद से अपडेट करें, जहां पे कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान मुस्बत केसेस की शरह में इजाफे के बाद जिला इंतजामिया के जानब से 7 यूनियन काउंसिल के 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जहां खारदार तारे लगाकर शहर आए हैं और कारोबार बंद है, जिसके बाद ईद उल फितर के मौके पर यौमिया उजरत पर काम करने वाले गरीब मुतवस्त तबका परेशान है। आशिक हुसैन की रिपोर्ट। हैदराबाद में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान मजबूत केसेस की शरह में इजाफे के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से 7 यूनियन काउंसिल के 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जहां खारदार तारे लगाकर शाहराहें और कारोबार बंद है। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है खोकर महल तकता है, जो मैप है ना आप भी देख सकते हैं, उसमें गोल्ड बिल्डिंग का एरिया क्लियर है। हम एसी साहब के गए थे, वो नहीं मिले हमें, वहाँ हमने धरना दिया तो कैंटोनमेंट गए तनवीर साहब ऐसे जो हमें थाने ले गए थे, उन्होंने मुख्तियार कार से हमें मिलवाया, उन्होंने कहा हम देख के बताएंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। आज सिटी वालों से हमारी बात हुई है, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, जबकि ये हदूद है नहीं हमारा, तो सारा सीजन ही यही है मेन, और रह गया गया हमारे पास टाइम। जी हाँ, गारमेंट्स का है, गोल्ड बिल्डिंग गारमेंट्स मार्केट। स्मार्ट लॉकडाउन के 22 ईद उल फितर के मौके पर योमिया उजरत पर काम करने वाला गरीब मतवस्त तबका परेशान है। कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखो आपके सामने आप बाजार में देखने पब्लिक घूम रही फिर रही है, लाजमी बात है कोई नहीं, एक दूसरे से हाथ मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये स्मार्ट लॉकडाउन लॉकडाउन तो वो होता है जो सर बिल्कुल ही आदमी नजर ना है। आखिरी अच्छा चल रहा है रमजान का, लाखों रुपए का कारोबार है, करोड़ों रुपए का कारोबार है, लोगों ने उधार ले लेके जिस तरह भी जो है दुकानदारों ने माल डाला हुआ, अब वो आखिरी अच्छा जो होता है उसी में हमारी सेल आती है, ठीक है ना, जो अच्छी सेल आती है इसी अच्छे में आती है। अब ये अच्छा बंद कर देंगे तो रिलीफ क्या देंगे। स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जाने वाले इलाकों में खोकर मेला, गाड़ी खाता, दादन शाह, सिटीजन कॉलोनी, लतीफाबाद नंबर 10, मारवी टाउन व दीगर इलाके शामिल हैं। कैमरा टीम के साथ आशिक हुसैन, रोज न्यूज हैदराबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं 8 से 16 मई तक इस्लामाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन होगा, तमाम सियासी मकामात, होटल्स, पार्क और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे। लेकव्यू, फैसल मस्जिद, पाकिस्तान मोनूमेंट, F9 पार्क भी बंद रहेंगे, जबकि उनका मजीद कहना था दामने को, रावल डैम जो है वो, शक्करपड़ियां, मरी गलियात भी बंद रहेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया का आज शाम से लॉकडाउन की तैयारियां शुरू करने का फैसला, आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। आज शाम 6 बजे के बाद तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अड्डों को बंद कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे एनए 249 में दोबारा वोटों की गिनती की, तो आज दूसरे रोज भी जारी है। गुजश्ता रोज 60 पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल कर ली गई। पीपुल्स पार्टी के कादर खान मंदुखेल के 134 वोट मुस्तरद हुए, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के 194 वोट मुस्तरद हुए, कलदम टीएलपी के 44 जो वोट हैं वो मुस्तरद हो गए हैं, पीएसपी के मुस्तफा कमाल के 29 वोट मुस्तरद हुए, पीटीआई के अमजद इकबाल अफरीदी को 34 वोट इजाफी मिल गए, एमक्यूएम के हाफिज मुरसरीन के 108 वोट मुस्तरद करा। सियासी जमातों के बायकॉट के बावजूद गिनती का अमल बिला तातुल जारी है। वज़ीरे आज़म इमरान खान 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे, वो ये दौरा सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर कर रहे हैं। पाक सऊदी दोस्ती जिंदाबाद। वजीर आजम इमरान खान का ब्रादर मुल्क का दौरा, वजीर खारजा और काबीना के दीगर अरकान समेत आला सतह का एक वफ्द वजीर आजम के हमरा होगा।
دورے کے دوران وزیراعظم سعودی قیادت سے معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، پاکستانی کارکنوں کے لیے روزگار کے مواقع اور سعودی عرب میں پاکستانی برادری کی فلاح و بہبود سمیت دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں پر مشاورت کریں گے۔ دونوں فریقین باہمی مفادات کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کے دوران کئی دو طرفہ معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخطوں کا امکان ہے۔ وزیراعظم اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف، ورلڈ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل محمد بن عبد الکریم العیسیٰ اور مکہ مدینہ میں حرمین شریفین کے اماموں سے بھی ملاقات کریں گے۔ عمران خان جدہ میں پاکستانی برادری سے بھی بات چیت کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں، شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکوانے کے لیے درخواست، رجسٹرار آفس نے شہباز شریف کی درخواست پر اعتراض لگا دیا۔ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے لیے درخواست، شہباز شریف نے وزارت داخلہ سے رجوع نہیں کیا گیا، رجسٹرار آفس نے یہ اعتراض لگا دیا۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا نام ای سی ایل میں شامل، وزارت داخلہ نے احسن اقبال کا نام ای سی ایل میں شامل کیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا نام ای سی ایل میں شامل ہے، وفاقی کابینہ نے احسن اقبال کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا، وزارت داخلہ نے نیب کی درخواست پر نام ای سی ایل میں شامل کیا۔ احسام عدالت میں احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی کیس چل رہا ہے، اس ضمن میں وزارت داخلہ نے نیب کی درخواست وفاقی کابینہ کو ارسال کی، کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری لی گئی ہے۔ نیب لاہور کے خلاف ایک اور سنگ میل عبور کر لیا گیا، عوام دوست اقدامات میں نیب لاہور سرفہرست آ گیا۔ گرینڈ ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں 21 سالہ تاریخ کی بڑی پلی بارگن منظور کر لی گئی۔ ڈی جی نیب لاہور کی سربراہی میں 5 مئی کو ریجنل بورڈ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ گرینڈ ایونیو سوسائٹی کیس میں 2.25 ارب مالیتی پلی بارگن درخواست منظور کی گئی۔ پلی بارگن میں 2150 متاثرین کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ پلی بارگن پر عمل درآمد کے لیے 4 قیمتی جائیدادیں بحق سرکار رہن رکھنے کی منظوری دی گئی۔ جاوید لطیف کی جانب سے ریاست مخالف بیانات دینے کا معاملہ، تفتیشی افسر نے جسمانی ریمانڈ کی تفتیشی رپورٹ عدالت پیش کر دی۔ دوران جسمانی ریمانڈ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرایا گیا، ملزم کا ایف آئی اے سے وائس میچنگ ٹیسٹ بھی کرایا گیا۔ ملزم سے تفتیش کی گئی اور موبائل برامد ہوا۔ ملزم نے انکشاف کیا کہ اس نے دیگر لوگوں سے مل کر سفارش کی۔ ملزم نے جو نام بتائے وہ سیغ اراز میں رکھے جائیں گے۔ عدالت ملزم کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں حکومت نے جو بھی وعدہ کیا وہ نبھایا۔ بہاولپور میں بھی جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ عثمان بزار کہتے ہیں آئندہ کوئی بھی جنوبی پنجاب کے وسائل پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ الزامات کی سیاست کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ ترقیاتی منصوبوں میں منتخب نمائندوں سے مشاورت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، ترقیاتی منصوبوں، جنوبی پنجاب سیکٹریٹ اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر عثمان بزار کا کہنا تھا جو بھی وعدہ کیا وہ نبھایا۔ ملتان کے بعد آپ جلد ہی بھاولپور میں بھی جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ عثمان بزار نے کہا کہ بھاولپور کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج تیار کر لیا، بہت جلد بھاولپور کا دورہ کروں گا۔ سابق حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کے عوام کو خالی نعروں سے بہلایا۔ ماضی میں جنوبی پنجاب کے وسائل کو دیگر شہروں پر خرچ کیا گیا، آئندہ کوئی بھی جنوبی پنجاب کے وسائل پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ دودھ کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں درخواست، بتائیں ریٹ کیا طے ہوا۔ عدالت کا نمائندہ کمشنر سے استفسار۔ دودھ کی سرکاری قیمت 94 روپے فی کلو ہے۔ نمائندہ کمشنر کا کہنا تھا دودھ 130 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، آپ کا پھر کیا فائدہ۔ جسٹس علی مظہر کا نمائندہ کمشنر سے مکالمہ، جنوری سے اب تک 1000 دکانداروں کو جرمانہ کیا۔ نمائندہ کمشنر کا کہنا تھا کہ پنجاب والے دیکھو کتنے چھاپے مارتے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی سندھ سے بہتر ہے۔
जमहूरी चेक के सफीर की सरबरा पाक फिजाइया से मुलाकात। तर्जमान पाक फिजाइया के मुताबिक मोजस मेहमान की पाक फिजाइया के कमान संभालने पर एयर चीफ को मुबारकबाद। मोजस सफीर ने पी एफ की खुद इंसारी के मैदान में गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। एयर चीफ का जो दो तरफा तावन को मजीद फरोह देने के अजम का इरादा, आप इसके बाहमी तावन को मजीद बढ़ाने और वसत देने पर इत्तेफाक। दौरान मुलाकात बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना तावन के मुख्तलिफ अमूर जेर बहस आए। पाक बहरिया में अस्करी अवार्ड तफवीज करने की तकरीब हुई। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। 14 ऑफिसर्स को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 7 ऑफिसर को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। 2 ऑफिसर और 1 जवान को तमगा बसालत से नवाजा गया। 4 ऑफिसर्स को इम्तियाजी असनाद से भी नवाजा गया, जबकि इसके साथ साथ 17 मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर, चीफ पैटी ऑफिसर और सेलर्स को तमगा खिदमत मिलिट्री तफवीज किया गया। 53 ऑफिसर, चीफ पैटी ऑफिसर, सेलर्स और नेवी सिविलियंस को स्ताइशी खतूत से नवाजा गया। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सात कबाब के नवाही इलाका भोंग में वाकई इस्लामी फन तामीर का लाजवाब शाहकार भोंग मस्जिद दुनिया भर के सयाहों का तवज्जो का मरकज बन चुकी है। सतह जमीन से 30 फीट बुलंद इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर में संग मरमर और दीगर 20 कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल सलाम गौरी की इस रिपोर्ट में। खूबसूरत नक्शो निगाह, दीवारों पर कुरानी आयात और मुख्तलिफ रंगों के बेशकीमती पत्थरों से मुजयन, यह है इस्लामी तर्ज तामीर का लाजवाब शाहकार भोंग मस्जिद, जो सयाहों को अपनी जानिब खींचने में कोई सानी नहीं रखती। सादकाबाद से 30 किलोमीटर पर वाके कस्बे भोंग में गाजी मोहम्मद ने 1932 में इस मस्जिद की तामीर शुरू करवाई। ईरान, तुर्की और बड़े सगीर के 1000 कारीगरों ने 50 साल में इस मस्जिद को पाया तकमील तक पहुँचाया। भोंग मस्जिद में 5000 नमाजियों की गुंजाइश है। मरकजी हाल को सोने चांदी के पानी के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। फन तामीर का ये शाहकार जहां देखने वालों को अपनी खूबसूरती के सहर में जकड़ लेता है, वहीं पर नमाजी भी खुदा के हजूर सजदा रेज होकर दिली सुकून महसूस करते हैं। कैमरामैन कामरान रजा के साथ अब्दुल सलाम गौरी, रोज न्यूज, सादकाबाद। अब रुख करेंगे बैन अक्वामी मंजरनामे का। बैन अक्वामी मंजरनामे से खबर है कि भारत में कोरोना से सूरतहाल मजीद संगीन हो चुकी। मजीद 3920 संवाद हुई, जबकि एक दिन में 4,14,000 से ज्यादा नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। भारत कोरोना वायरस का गढ़ बन चुका। एक रोज में मजीद 3920 अफराद रुकवा अचल बन गए। मजीद 4,14,000 से ज्यादा नए केसेज रिपोर्ट हुए। मायरीन का कहना है कि सरकारी आदादोशुमार में कोरोना वायरस के असल हकायक सामने नहीं लाए जा रहे। मुल्क भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन का बहरान जारी है। लोग अपनी मदद आप के तहत ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर रहे हैं। बर वक्त ऑक्सीजन न मिलने पर कई मरीज हलाक हो चुके। हुकूमत ने वैक्सीन का एहतमाम किया तो वहां लोगों का रश लग गया। खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। सूरतहाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। दिल्ली में एम्बुलेंस की कमी की वजह से कई रिक्शों को एम्बुलेंस में बदल दिया गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क को मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब धकेला जा रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मौजूदा सूरतहाल में माली तौर पर कमजोर तबके को माली इमदाद फराहम करने की जरूरत है।
चीन के बेकाबू रॉकेट को मार गिराने का मंसूबा नहीं, अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन कहते हैं हमें बहुत कुछ करने की सलाहियत है लेकिन नहीं करेंगे। बेकाबू चीनी रॉकेट कहां गिरेगा पेशगोई करना मुश्किल है। चीनी रॉकेट की बॉडी हफ्ता या इतवार को जमीन पर गिर सकती है। पेंटागन माहिरीन का ऐसा कहना था जबकि उम्मीद है रॉकेट जहां गिरेगा वहां किसी को नुकसान नहीं होगा। तवक्को है रॉकेट समुद्र या इस किस्म की जगह से गिरेगा। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन ने गर्मियों में बाकायदा शादी का ऐलान कर दिया। आखिरकार न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन ने शादी के लिए हां कह ही दी। 40 साल जेसिंडा आर्डन ने अपने मंगेतर क्लार्क गेफोर्ड से शादी की हामी भर ली है मगर तारीख का ऐलान नहीं किया। वो धूमधाम के बजाय सादगी से शादी करने का इरादा रखती हैं। उनके मंगेतर 44 साल क्लार्क गेफोर्ड एक टीवी शो के मेजबान हैं। अब कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से। डायरेक्टर कम्युनिकेशन आईएमएफ जेरी राइस की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा आईएमएफ कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। मुश्किल मौसमी हालात में पाकिस्तान की मजीद मदद करना चाहते हैं। जेरी राइस कहते हैं हाल ही में पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर जारी किए। पाकिस्तान के मौसमी जायजे के वक्त हुकाम से मजीद बातचीत होगी। अपडेट करें आपको कि डायरेक्टर कम्युनिकेशन आईएमएफ जेरी राइस की मीडिया को ब्रीफिंग, जेरी राइस कहते हैं आईएमएफ कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान की मजीद मदद के लिए तैयार है। मुश्किल माशी हालात में पाकिस्तान की मजीद मदद करना चाहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर जारी किए। पाकिस्तान के मौसमी जायजे के वक्त हुकाम से मजीद बातचीत होगी। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए रोज न्यूज़।